लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर नंबर 4th आई फ्लोट माय पेपर बोट, जो अपना चैप्टर नंबर 4th है, उसके हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स किए थे एंड वो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्लास, इस क्लास में क्या करना है हमें कि जो अपना नेक्स्ट स्टेप चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है अपना? आर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5th इज द रिवार्ड. ओके, चैप्टर नंबर 5th क्या है? रिवार्ड, रिवार्ड मतलब सम्मान. ओके, कुछ देते हैं, सम्मानित करते हैं. ओके, सो रिवार्ड मतलब सम्मान. ओके, जैसे हमें स्कूल में रिवार्ड किया जाता है फॉर आर एजुकेशन, हमें अपनी एजुकेशन के लिए अगर हमने क्लास को टॉप किया है तो हमें ट्रॉफीज दी जाती है. ओके, हमें मोमेंटोज दिए जाते हैं. ओके, तो वो क्या होता है बेटा? रिवार्ड होता है. सो देखते हैं चैप्टर नंबर 5th में किस रिवार्ड के लिए बात की हुई है एंड क्या होता है इस चैप्टर में. ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5th, रिवार्ड. लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंग. बहुत सालों पहले, बहुत ज्यादा सालों पहले एक बार एक राजा था. ही लिव्ड इन ए स्टेल्टी पैलेस, और वो एक बहुत ही ऐसे पैलेस मतलब महल में रहता था. उसका महल कैसा था? मतलब होता है ना, ज्यादा कवर में होता है. ठीक है, जहाँ मतलब बहुत ज्यादा स्पेस में होता है, एज अ होल स्पेस होता है. ठीक है, ग्रैंड साइज में होता है वो, ऐसे प्लेस में वो, पैलेस में वो रहता था. ही बिलीव्ड इन पॉम्प एंड शोज, और वो पॉम्प एंड शोज में वो बिलीव करता था. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अरेंजिंग फिस्ट, और वो बहुत ही डिलीशियस मील, डिलीशियस फूड को वो मतलब उसके लिए वो बहुत ज्यादा भूखा था. मतलब उसे डिलीशियस फूड चाहिए होता था एवरी टाइम. जब भी वो फूड लेता था तब उसे उसके अरेंजमेंट में डिलीशियस फूड उसे चाहिए होता था. मैनी किंग, प्रिंसेस एंड नोबल्स यूज्ड टू कम इन हिज कोर्ट एंड एंजॉय द डिलीशियस फूड सर्व्ड टू हिम. और उसके कोर्ट में उसका जो मतलब होता है ना कोर्ट, जैसे राजा बैठा होता है एंड दरबार. ओके, दरबार होता है. ओके, सो उसके दरबार में बहुत से राजा आते थे, बहुत से राजकुमार आते थे एंड नोबल्स जो कि गुड रैंक्ड पर्सन होते थे. ओके, जो मानवीय या फिर मतलब सम्माननीय जो लोग होते थे वो उसकी कोर्ट में आते थे और जो डिलीशियस फूड उसे प्रोवाइड किया जाता था उसे वो उसका वो आनंद उठाते थे, उसे इंजॉय करते थे. बट वन डे, पर एक दिन अनफॉर्चुनेटली अचानक से द वेदर बिकेम रफ. जो वेदर है, जो ना क्लाइमेट वेदर जो है वो अचानक से चेंज हो जाता है, अचानक से बहुत गंदा हो जाता है, जैसे बारिश टाइप से या फिर आंधी वगैरह, तूफान वगैरह होता है ना, उस टाइप से मौसम खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है. द वेदर वॉज सो बैड दैट नॉट इवन अ सिंगल फिश कुड बी कॉट. और मौसम इतना गंदा हो जाता है कि इवन एक सिंगल जो फिश है वो भी पकड़ी नहीं जा सकती थी उसमें. ठीक है, सो द किंग वॉज वेरी सैड. तो जो राजा होता है उसे बहुत ज्यादा दुख होता है. ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और उसे बिल्कुल नहीं पता होता है कि उसे क्या करना चाहिए अभी. ओके, व्हेन द किंग वॉज लॉस्ट इन डीप थॉट्स, जब जो राजा है वो बहुत ही गहरी सोच में डूबे हुए थे, तो ए गेट कीपर कम इन, तो एक पहरेदार अंदर आता है. द किंग लुक्ड टू हिम एंड सेड, तो राजा उसकी तरफ देखता है और कहता है व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, क्या मैटर है. द गेट कीपर पोलाइटली सेड,
तो गेट कीपर बहुत ही विनम्रता से कहता है, योर हाइनेस महाराज, अ फिशरमैन इज एट द गेट, एक जो मछली पकड़ने वाला है वो गेट पर खड़ा है, ही हैज बॉट अ वेरी ब्यूटिफुल फिश, और वो एक बहुत ही सुंदर मछली लेके आया है, सो हिम इन, उसे अंदर लेके आओ, सेड द किंग, राजा कहते हैं उसे अंदर लेके आओ, एज यू विश योर हाइनेस, जैसा आप कहो महाराज, सेड द गेट कीपर एंड वेंट आउट, ये कहकर गेट कीपर बाहर चला जाता है, वॉट सून द गेट कीपर कम इन विद द फिशरमैन, और बहुत ही जल्दी जल्दी जो गेट कीपर है वो उस फिशरमैन को लेके अंदर आता है, सून द गेट कीपर कम इन विद द फिशरमैन, वो फिशरमैन के साथ अंदर आता है, वॉट विल यू चार्ज फॉर द फिश, तुम इस फिश के लिए क्या चार्ज करोगे, तुम इस फिश के लिए क्या लेना चाहोगे, द किंग आज द फिशरमैन, ये राजा जो मच्छी मतलब मछलियां पकड़ने वाला होता है उससे कहता है कि तुम इस फिश का कितना चार्ज करोगे, ओनली 100 वाइस ऑफ लाइस ऑफ वाइट ऑन माई बेयर बैक, बस मैं और कुछ चार्ज नहीं करूंगा, ओनली 100 मतलब 100 कोड़े, कोड़े होता ना जो पीठ पे मारे जाते हैं, ठीक है, मैं 100 कोड़े अपनी पीठ पे खाना चाहता हूँ, सेड द फिशरमैन, फिशरमैन कहता है, जब राजा उसे पूछता है तुम इस फिश का कितना चार्ज करोगे, तो फिशरमैन कहता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस 100 कोड़े अपनी पीठ पे खाना चाहता हूँ, when the king heard this, he laughed loudly and said, तो जब राजा ने ये सुना तो वो जो राजा है वो बहुत जोर से हंसते हैं और कहते हैं, Since I have to take the fish, I shall do as you wish, जब तक मैं खाना लेता हूँ तब तक तुम जो चाहते हो मतलब वो मतलब तुम्हारी जो विश है वो मैं कंप्लीट करूँगा, When the fisherman had received 50 lash of wipe, जब फिशरमैन को 50 कोड़े पड़ जाते हैं, he cried, वो जोर से चिल्लाता है, stop, I have a partner too, मेरे साथ एक पार्टनर भी है, रुको, मेरे साथ एक पार्टनर भी है, he must also get this share, उसे भी ये शेयर मिलना चाहिए, ओके, उसे भी ये शेयर मिलना चाहिए, This was enough for the king to burst into laughter. और ये काफी था राजा की हंसने के लिए. Then he said, तो फिर राजा कहते हैं, Are there two such fools in my kingdom? क्या ऐसे दो मूर्ख हैं मेरे kingdom में? मैं सोचा था एक ही मूर्ख है, लेकिन क्या ऐसे दो मूर्ख हैं मेरे kingdom में? My partner is none else than your gatekeeper. मेरा partner आपके गेट कीपर के अलावा कोई नहीं है, आपके गेट कीपर के अलावा दूसरा मेरे पार्टनर कोई भी नहीं है, ही हैड नॉट परमिट मी टू प्रेजेंट माई फिश अंटिल आई प्रोमिस्ड टू गिव हिम द हाफ ऑफ वॉट आई गेट फॉर द फिश, कि आपके पार्ट आपका जो गेट कीपर है वो मेरा पार्टनर है, क्यों, क्योंकि जब मैंने उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी अंदर आने के लिए तो उसने मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया था, तब तक जब तक कि मैंने मतलब उसे ये प्रॉमिस नहीं किया कि जो मुझे मिलेगा उसका आधा शेयर मैं तुम्हें दूंगा, तब तक उसने मुझे ये जो फिश है ये आपके सामने प्रेजेंट करने को नहीं कहा था, आई हैव रिसीव्ड 50 लेसेज ऑफ वाइफ, मुझे 50 कोड़े पड़ चुके हैं, He should also be given remaining 50 lashes of wife. तो इसे भी अब remaining 50 कोड़े जो बचे हैं वो इसे भी मिलने चाहिए. Everything now was clear to the king. और ये सब राजा को समझ में आ जाता है. He was rewarded. The wise washerman and
पन्नीज द ग्रेडी गेट कीपर, और जो फिशरमैन जो होता है उसे, वो तो बहुत ही मतलब वाइस फिशरमैन की तरह उसे रिवार्ड किया जाता है, एंड जो गेट कीपर है उसे कोड़े दिए जाते हैं फॉर हिज ग्रीडीनेस, उसके लालचीपन के लिए. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर 5th. नेक्स्ट विल स्टडी इन आर नेक्स्ट क्लास. ओके, बाय.